हेलो फ्रेंड्स, गर्मी है सातवें आसमान पे और बच्चे लोग का डिमांड भी है सातवें आसमान पे। डेली रेसिपी बनाते हैं, डेली रेसिपी बनाते बनाते इस गर्मी में थक जाओ। अभी टाइम हो रहे हैं करीब करीब 2:30 बज रहे हैं। इस समय दाल चावल सब्जी सब कुछ बना लिए, लेकिन नहीं, उनसे कहाँ मन भरने वाला है। नहीं मम्मी, कुछ तो बना दो स्नैक्स जो खाना हमें पसंद है, नहीं तो बाहर से ले आएंगे। धमकी लोग देता है बाहर से ले आएंगे। हम बोले साथ में हमारे हस्बैंड जी भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या बनाते हैं। अब घर में जो कुछ है उसी से तो बनाएंगे ना, तो क्या है भाई। आज आप मार्केट भी नहीं, कई दिन से हम जा रहे हैं, बार बार आप लोग सुन रहे होंगे गर्मी बहुत ज्यादा है। जब थोड़ा ठंडा होता है तब निकलते हैं। तो आलू आज हमारे पास एक ही था, जो आलू को छिलका उतार करके हम पानी में डाल दिए, जो आलू हमारा काला ना हो। देखिए छिलका इनके अच्छे से उतार लिए। एक आलू से नाश्ता बनाएंगे। और यहाँ पे आलू को क्या करना है कि एकदम छोटे वाले से इससे ग्रेट करना है, ताकि मोटे मोटे लच्छे ना रहे। तो इससे हम आलू को ग्रेट करेंगे, देखिए, ताकि बारीक एकदम आलू रहे। तो आलू ग्रेट कर रहे हैं, आलू ग्रेट कर करते देखिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि क्या बनाने वाले हैं। एक आलू से हम आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मीना। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे लोकेशन चेंज हो गया। अब यहाँ से गर्मी में मतलब सोच लीजिए पसीना छुड़ाने का नौबत आ गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3-4 पानी पहले आलू को धो लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे एक छन्नी लिए हैं, 4-5 पानी आलू को हम धो लिए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा। हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से किस दृष्टि से देखते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूले। इतना गर्मी में रेसिपी बनाते हैं ना फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। अब बोलिएगा ये आलू को छन्नी में क्यों रखी मैम, तो हाँ हाथों से नहीं निचोड़ना है, बस इनका पानी थोड़ा बहुत निकल जाए इसीलिए। अब चलिए आगे टोटल काम क्या दिखाती हूँ। अब गैस ऑन कर लेते हैं, गैस ऑन करके ले लेते हैं पैन। और पैन में हम लेंगे करीब, ज्यादा नहीं, बस 1 चम्मच के करीब सरसों तेल। तो तेल को यहाँ गर्म होने देते हैं। तो तेल में हल्का गर्म हो जाए तो सबसे पहले लेंगे हम 1 बड़ा चम्मच मूंगफली। अब मूंगफली ले लिए हैं तो इनको हल्का सा रोस्ट कर लें, आप चाहे तो रोस्टेड भी ले सकते हैं मूंगफली। और इसी मूंगफली के साथ साथ हम क्या करेंगे, इनमें लेंगे हम 1/2 छोटा चम्मच साबुत जीरा। तो जीरा भी हमारा चटक जाएंगे और मूंगफली भी भून जाएंगे। गैस गैस फ्लेम को आप मीडियम रखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए अब यहीं से पसीना शुरू हो गए हैं चेहरे पे। बच्चों के लिए इतना करना पड़ता है और बच्चों के साथ साथ ऑडियंस को भी दिखाना पड़ता है। जब बच्चे के लिए बना रहे हैं तो सोचे ऑडियंस के साथ भी शेयर कर दे कि आप लोग भी घर में परेशान मत होइए, बाहर से मत मंगाइए। इस तरह से नाश्ता आप घर में भी बना सकती हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लेंगे ये 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, जो हथौली हथेली पे लेकर के हम क्रश कर लेंगे। यहाँ पे सबको हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे लेंगे 2 चुटकी हींग। अब बच्चे जिद कर रहे हैं, थोड़ी सी मतलब फ्राई किया हुआ खाना देना है तो हींग तो जरूरी है ना। यहाँ पे लेंगे 1 बड़ा चम्मच सफेद वाली तिल। अब सबको यहाँ पे गैस ऑफ कर दे, नहीं तो ये क्या होगा, जल जाएंगे। देखिए गैस ऑफ कर दिए हैं और इनको पहले रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ इसी में लेंगे हम 2 हरी मिर्च चॉप किया हुआ और साथ में 1 इंच अदरक ग्रेट किया हुआ लेंगे। आइए 1/2 छोटा चम्मच हम लहसुन ले रहे हैं। अब इनको हम सबको भून लेते हैं। अब भूनते भूनते फ्रेंड्स, आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करके घंटी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारे वीडियो कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, अगर यही रेसिपी हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे हम छोटा सा प्याज को चॉप कर लिए, प्याज भी ले लेते हैं। प्याज और जितना भी सामग्री है ना, हमें जलाना नहीं है यहाँ पे, बस रोस्ट करना है, इसीलिए हम गैस को ऑफ कर दिए ताकि ये हल्का ब्राउन ना हो। देखिए गैस एकदम बंद है। तो जब आपका पैन गर्म हो ना, उस समय आप क्या करें, इनको गैस को ऑफ कर। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं कि गैस को हम देखिए मीडियम में ऑन कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे बस चलाना है, थोड़ा सा क्रंची रखना है। हमें क्या करना है ना, इनमें 1/2 कप पानी लेना है। देखिए 1/2 कप पानी, इससे ज्यादा पानी मत लीजिएगा। अब थोड़ा सा पानी में उबाल आ जाए, उबाल आने पर हम आपको बताते हैं कि क्या लेना है इनमें। तो पानी में यहाँ पे हल्का फल्का उबाल आने लगा है, आप देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे लेंगे हम 1/2 छोटी चम्मच घर का कूटा हुआ चिली फ्लेक्स। यहाँ पे चुटकी भर लेंगे हम काली मिर्च पाउडर, ज्यादा मसाला हम कुछ नहीं लेने वाले हैं। और यहाँ पे लेंगे हम, अगर आप नींबू लेना चाहते हैं तो नींबू ले लीजिएगा। यहाँ पे हम चाट मसाला 1/2 छोटा चम्मच ले रहे हैं।
और सबको हम एक बार मिलाएंगे। ध्यान रहे, यहाँ पे आप इतना सामग्री ले रहे हैं ना, नमक मत भूल जाइएगा। तो यहाँ पे इसी समय हम लेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो बस स्वाद अनुसार नमक ले लिए हैं और इसी में हम जो आलू ग्रेट करके लिए हैं ना, उनको भी ले लेते हैं। तो देखिए सारे आलू का पानी छन गया है, अब आलू ले लेते हैं। अब इनको हम मतलब अच्छे से उबाल आने तक चलाएंगे। जो जो सामग्री लेंगे हम आपको बारीकी एकदम दिखाएंगे। घर का ही चीज़ से हम बना रहे हैं फ्रेंड्स, जो घर में उसी से आप बनाइए, आपके बच्चे काफ़ी खुश रहेंगे। एकदम बाहर से तो एकदम नहीं खाएंगे, अभी गर्मी चल रहा है तो आप भी सोचेंगे ना कि बाहर से खा करके क्या दवाइयाँ लाना है, दवाई नहीं लाना है। बस घर में इस तरह से बनाइए, बच्चे को खिलाइए, खुद भी खाइए, ऐसा नहीं है, हम लोग भी तो खाएंगे ना। इनको थोड़ा सा पका लेते हैं। यहाँ पर अच्छे से उबाला है, लेकिन आपको एक टिप्स बताते हैं कि यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं। तो यहाँ पे चार पीस हमारे घर में ब्रेड थे, देखिए चार पीस। अब ब्रेड को हम क्या करेंगे कि यहाँ रफली हम ब्रेड को तोड़ेंगे। आप चाहे तो रफली तोड़ लें या तो फिर इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि हम इनको रफली तोड़ लें इस तरह से, बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे मन हो ऐसे तोड़ लीजिए इनको। और जो भी थोड़ा थोड़ा घर में सामग्री है उसी से हम बता रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं फ्रेश, तो इसी तरह से आप भी बनाइएगा। हमारा घर का सामान भी बेकार नहीं जाएंगे और बहुत अच्छा सा एक नाश्ता भी तैयार हो जाएंगे। अब इनको मीडियम गैस पे पकाते हैं। सबको मिलाते हुए हम अच्छे से चलाए हैं, तो थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 1/4 कप सूजी, 4 चम्मच सूजी। ये बारीक वाली सूजी है, आप देखिए एकदम करीब से, एकदम बारीक वाली है। मोटी वाली है तो थोड़ी मिक्सी में चला लीजिएगा। और ये तो आप इस जगह पे चावल के आटा भी ले सकते हैं। और हाँ, इसके बाद इनको बिल्कुल पानी मत लीजिएगा, मतलब जितना लिए ना पानी आधा कप, बस उतना ही पानी लीजिएगा। इनको मीडियम गैस पर अच्छे से पकाना है, तभी चटपटा नाश्ता बनेंगे ये। तो यहाँ पे अच्छे से देखिए हम मीडियम गैस पे, एकदम मीडियम गैस पे रखिएगा, मीडियम गैस पे पकाना है यहाँ पे। यहाँ पे अच्छे से हमारे डो फॉर्म में तैयार हो गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे ना, इनमें ढेर सारा हरा धनिया लेंगे, तो करीब करीब 2 चम्मच हरा धनिया लिए हैं। और थोड़ा सा इनको गैस ऑफ करके क्या करेंगे कि ठंडा होने देंगे, ताकि अच्छे से ये छूने में हमें काम आए। तो चलिए इनको अब ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, गैस कर दिया ऑफ। जितना भी प्रयास कर लिए कि किचन में ही हम बना लें, लेकिन देखिए हिम्मत नहीं किया कि हम किचन में खड़ा होकर के बना लें रेसिपी को, तो बस आ गए फिर से हॉल में पंखे के पास। भाई बहुत गर्मी है, गर्मी से बचना है तो आप एसी में या पंखा में इस तरह से ले लीजिएगा रेसिपी को। हमारी ये जो रेसिपी थी ना, ये ठंडा हो गया, तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इन्हें हाथों से मसल लेंगे ताकि ये चिकना हो जाए। और इस तरह से इनमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये ड्राई हो जाएंगे, चाहे मतलब सूख जाएंगे तो बनेंगे नहीं। तो यहाँ पे चलिए इनको अच्छे से मसल लेते हैं। पहले देखिए डो तैयार कर ले रहे हैं इनको बढ़िया से। तो देखिए एकदम चिकना डो हम तैयार कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम डो लेंगे, मतलब लड्डू जितना ले आते हैं ना उस हिसाब से। तो आपकी मर्जी, जिस तरह से शेप बनाना चाहे उस तरह से आप बना सकती हैं। चाहे तो आप इस तरह से गोल बना ले इस तरह से। अब बच्चे का डिमांड है कि ये मार्केट जैसा, तो लाओ भाई मार्केट के जैसा ही हम बना देते हैं एकदम। फ्रेंड्स, हम आप लोगों से एकदम घर की तरह बात करते हैं, कोई बनावटी हमारी बात में नहीं रहती है। जो घर में बोलते हैं ना उसी तरह से, कभी कभी देखती होंगे कि हम बिहारी भाषा बोल देते हैं, तो भाई बिहार के हैं तो बिहार का भाषा तो बोलेंगे ही ना। तो देखिए कितना बढ़िया से यहाँ पे, ये देखिए कितना बढ़िया से बना लिए ना। इसी तरह से हम एक प्लेट में बना बना करके रखते जाएंगे। तो देखिए दूसरा भी हम बना ले रहे हैं यहाँ पे। अभी हंसी निकल रहा है क्योंकि पंखे के हवा में बैठे हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा हंसी निकल रहा है। अभी गैस के पास तो मेरी हालत खराब हो गई थी एकदम, कि कैसे बनाए क्या करें हम। तो बस देखिए यहाँ पे इस तरह से दबाते हुए मूंगफली है ना, इनको थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर देंगे अंदर, ताकि ये निकले ना। और बस इस तरह से मार्केट का लुक देना है तो बस दे दीजिए। देखिए कितना बढ़िया से बन गए हैं, यहाँ पे सबको इसी तरह से बना लेंगे, ठीक है। अब सभी को कटलेट का शेप दे दिए हैं, तो यहाँ तो मुस्कुराते हुए बना लिए हैं। अब तो हमें जाना ही है गैस के पास ना, वहाँ से बचना तो किसी को नहीं है। चलिए चलते हैं। तेल को यहाँ पहले से ही गर्म होने के लिए चढ़ा दिए थे, तो तेल यहाँ हाई फ्लेम पे एकदम हीट हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे मीडियम। मीडियम करने के बाद, क्योंकि सारा चीज़ हमारा पके हुए हैं तो इसीलिए तेल अच्छे से गर्म होना जरूरी है। तो एक हम उठाएंगे ये कटलेट और बस थोड़ी सी चम्मच से इन्हें पहले देख ले इस तरह से, फिर दूसरा लीजिएगा। ये टिप्स है हमारे नए बिगिनर के लिए। हम यहाँ पे दूसरा ले लेंगे, जितना आ जाएंगे उतना ले लेंगे कढ़ाई में। कुछ सेकंड के लिए इन्हें छेड़े ना छोड़ दीजिए। कुछ सेकंड बाद आप इनको आहिस्ता से इस तरह से
चला सकते हैं एकदम आराम आराम से इस तरह से। बस देखिए कितना बढ़िया से बनेंगे। अब हम एक स्पेचुले से, मतलब कोई भी तरह का स्पेचुला हो उसी से आप फ्राई कर ली, मतलब निकाल लीजिएगा तेल से बाहर। देखिए इनको आसानी से एकदम टच कर किया जा सकता है, तो बस इनको हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा अच्छे से फ्राई हो गए हैं, देख रहे हैं। तो बाकी का भी हम बैच जो दोबारा बैच है वो भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। चलिए ले लेते हैं हम इसी तरह से। तो चलिए सेकेंड बैच भी हमारा फ्राई हो गए हैं, अब तेल से हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे सारे नाश्ता बनकर रेडी है, और रेडी के साथ साथ मेरा हुलिया भी खराब है अभी, क्योंकि देख सकते हैं पूरा, मतलब पूरा देखिए कपड़ा पूरा भींगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आइए नाश्ता के पास। भाई इतना गर्मी में हम अपने बच्चे के लिए बनाते हैं, तो देख सकते हैं कितना ये मतलब क्रिस्पी भी है और अंदर से सॉफ्ट भी है। तो आइए हम एक तोड़ के दिखाते हैं आपको। वाओ क्या बात है, देख रहे हैं अंदर तक एकदम पके हैं ये। और हाँ बच्चे को तो ज़्यादा पसंद होते हैं कैचअप, अब कैचअप के साथ इनको सर्व करें, लेकिन हमें तो कुछ और चटनी के साथ पसंद है। तो किस चटनी के साथ पसंद है देखिए, यहाँ पे ये आम का चटनी है, ये हमारे बच्चे के लिए कैचअप है। ये आम का चटनी आप चाहे तो हरे चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हमें भाई आम के चटनी के साथ सर्व है। थोड़ा सा खा के टेस्ट करके आप लोगों के बताती हूँ, ऐसे तो हम खाते नहीं हैं मतलब रेसिपी में, पर थोड़ा सा बनाना बनता है फ्रेंड्स, एकदम लाजवाब बने हैं, बनाए तो हम ही हैं पर बहुत मस्त बने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके घर में जो भी सामान है, आपको टिप्स बता दे रहे हैं, जो बचे हुए सामान है उसी से आप बनाइए, मार्केट से लाने का कुछ भी जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कैसी लगी हमारी रेसिपी आपको, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा। बोलेंगे आप लोग कि हंस रहे हैं क्योंकि मुंह में लेकर के बोल रहे हैं तो थोड़ा आवाज़ भारी लग रहा है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह से एक नई रेसिपी लेकर के, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रसोई मीना की, बाय।